सुप्रभात मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। जैसे कि हम हिंदी वर्णमाला के कुछ व्यंजनों को कर चुके हैं, आज हम हिंदी वर्णमाला के उन व्यंजनों को एक बार फिर से दोहराने वाले हैं। तो तैयार हो आप मेरे साथ, चलो शुरू करते हैं। क क कबूतर, क कबूतर, क कलम, क कलम, क कमल, क कमल, क करेला, क करेला, ख ख खरगोश, ख खरगोश, ख खत, ख खटमल, ख खटमल, ख खजूर, ख खजूर, ग ग गमला, ग गमला, ग गधा, ग गधा, ग गगन, ग गगन, गगन यानी कि आसमान, ग गहना, ग गहना। जैसे कि आपकी मम्मा हाथ में या गले में कोई ज्वेलरी पहनते हैं उसको बोलते हैं गहना। घ घ घर, घ घर, घ घड़ी, घ घड़ी, घड़ी हमें क्या बताती है, घड़ी हमें टाइम बताती है और हमें सब काम टाइम यानी कि समय पर करना चाहिए, नहीं तो हम अपने काम में पीछे रह जाएंगे। हमें समय पर खाना खाना चाहिए, समय पर पढ़ना चाहिए और समय पर ही सोना और उठना चाहिए। घ घड़ियाल, घ घड़ियाल, घ घड़ा, घ घड़ा, घड़ा किस काम आता है, घड़ा जल भरने के और उसको ठंडा करने के काम आता है। गर्मियों में घड़े का ठंडा ठंडा जल पीना बहुत ही अच्छा लगता है। ड ड ड से न बनती कोई धुन, ड से न बनती कोई धुन, ड को बस चुपचाप सुन। च च चम्मच, च चम्मच, च चरखा, च चरखा, च चटाई, च चटाई, च चप्पल, च चप्पल, छ छ छतरी, छ छतरी, छतरी हमें किससे बचाती है, बारिश से। बारिश में भीगने से बचने के लिए हम छतरी का यूज करते हैं। छ छड़ी, छ छड़ी, छ छलनी, छ छलनी, छ छत, देखो ये घर की छत बनी हुई है ना, छ छत। ज ज जग, ज जग, जग में क्या रखा हुआ है, जल। ज जड़, ज जड़, पौधे के जो नीचे का भाग होता है उसे बोलते हैं जड़। जब हम जड़ में जल डालते हैं तो हमारा पौधा बड़ा होकर पेड़ बन जाता है। ज जलेबी, ज जलेबी, ज जवान, ज जवान, जवान यानी कि सैनिक, जो हमारे देश की रक्षा करते हैं और हमारे देश को दुश्मनों से बचाते हैं।
झ झरना, झ झरना। क्या आपने देखा हुआ है झरना? झ झरोखा, झ झरोखा। झरोखा यानी कि खिड़की, जिससे कि हम अपने घर के बाहर देख सकते हैं। झ झबला, झ झबला। झबला यानी कि छोटे बच्चों को पहनाया जाने वाला लूज सा, कंफर्टेबल सा फ्रॉक। झ झंडा, झ झंडा। क्या है हमारे राष्ट्रीय झंडे का नाम? बताया था ना मैम ने? जी हाँ, हमारे राष्ट्रीय झंडे का नाम है तिरंगा। झ से झरना गिरता है, झर 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 करता है। झ से झरना गिरता है, झर 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 करता है। या से कुछ भी नहीं बनेगा, या से कुछ भी नहीं बनेगा, यह तो खाली ही रहेगा। तो बच्चों, आपने भी क्या करना है, हिंदी वर्णमाला के इन व्यंजनों को आपने दोहराना है और अच्छे से लर्न भी करना है, और इन व्यंजनों को अपनी हिंदी की पुस्तिका में बार बार लिखने का अभ्यास करना है। जल्दी ही हम मिलेंगे अपनी अगली कक्षा में। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।